धनीराम, रमेश तू कब आया था शहर से? मैं तो पिछले 10-12 महीनों से गांव में हूँ, पर तू कहाँ था इतने दिनों से? क्या बताऊँ यार, बापू ने कचना गांव में जो खेत लिया बस उसकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दी है, सो वही था खेती बाड़ी में व्यस्त। सुनकर अच्छा लगा कि तू अब जिम्मेदारी से काम कर रहा है, वरना एक जमाना था जब तू दिन भर गली मोहल्ले की खाक छाना करता था। कहाँ खो गया? बस कुछ नहीं यार, बीते दिनों की याद आ गई। मेरी बात छोड़, तू बता, तेरी तो पढ़ाई भी खत्म हो गई है, आगे क्या सोचा है? मैं तो पिछले 10-12 महीनों से आराम से खेती कर रहा हूँ। जरूर फसलों का सत्यानाश कर दिया होगा। आ चल तुझे दिखाता हूँ अपने खेत। ये किसके खेत में ले आया तू मुझे? ये मेरा खेत है। तेरा खेत? तेरा खेत तो फसलों से हरा भरा है, कैसे हुआ है चमत्कार? ये चमत्कार मेरा नहीं, मेरे सच्चे साथी के कारण हुआ है। सच्चा साथी? कौन है भाई तेरा सच्चा साथी? मिलवाएगा नहीं? वो देख आ रहा है मेरा सच्चा साथी। राम राम चाचा। अरे राम राम बेटा, राम राम। और बेटा क्या हाल चाल है? बस मजे में हूँ चाचा। यही है मेरा सच्चा साथी, नया 38 HP जॉन डियर ट्रैक्टर। पर एक बात तो बता, ट्रैक्टर तो ट्रैक्टर ही होता है और काम भी सब एक सा ही करते हैं, फिर भला इसमें ऐसा अलग क्या है? बेटा गधे और घोड़े में फर्क तो जमीन आसमान का होता है, और हमारे नए 38 HP में है खूबियों का भंडार। यह है बहुउपयोगी, किफ़ायती, बेमिसाल और भरोसेमंद। वाह चाचा, आप तो जॉन डियर ट्रैक्टर में फिदा हो गए। जॉन डियर ट्रैक्टर है ही ऐसा। पर एक बात बता, तूने जॉन डियर के नए 38 HP ट्रैक्टर को ही क्यों चुना? इस बरस ट्रैक्टर तो लेना ही था, सो मैंने गांव के बड़े बुजुर्गों से और शहर के सभी ट्रैक्टर डीलरों से खूब पूछ परख की, और उसके बाद ही निर्णय लिया कि मेरे घर आएगा तो सिर्फ जॉन डियर का 38 HP ट्रैक्टर ही आएगा। जब मैंने बापू को अपने जॉन डियर ट्रैक्टर के बारे में बताया तो लगे कहने, तुझे जॉन डियर ट्रैक्टर पर इतना भरोसा क्यों? तो मैंने उन्हें विस्तार से समझाया और वो मान गए, और आज देख मेरा दावा 100% सही साबित हुआ कि नहीं। सही यार, एकदम सही। अच्छा बेटा तुम दोनों बतियाओ, मैं जरा मुखिया जी से मिलाता हूँ, बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए। चाचा मुखिया जी के यहाँ भी जॉन डियर ट्रैक्टर ही है ना? हाँ मुखिया जी के यहाँ भी जॉन डियर ट्रैक्टर ही है। तो चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। ठीक से भले, तो चलो दोनों चलते हैं। तू यहाँ रुक कर क्या करेगा, चल चलते हैं मुखिया जी के यहाँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, ले तू ही चला मेरा जॉन डियर। मैं नहीं चाचा नहीं। अरे चला, संकोच काहे का। अरे चाचा ये तो एकदम कार के जैसे स्टार्ट होता है। अरे आगे आगे देख, सब समझ आएगा। क्या खूब है मेरा जॉन डियर ट्रैक्टर।
चलाने में इतना आराम? भाई कमाल है। चलाने में आराम क्यों ना मिले? अरे ये है भारत का पहला 38 HP पावर स्टीयरिंग वाला जॉन डियर ट्रैक्टर। और पावर स्टीयरिंग मतलब करो दिन भर काम, थकान का नहीं नामो निशान। तेज गति, वो भी 34 किलोमीटर प्रति घंटे की। भाई शहर की मंडी तक सबसे पहले मैं यूं ही नहीं पहुंचता हूं। तेज गति मतलब कम समय में ज्यादा काम। भाई वाह। भाई कमाल के ब्रेक हैं इसके। ये कमाल था इसके ऑयल में डूबे डिस्क ब्रेक का। और ऑयल में डूबे डिस्क ब्रेक का मतलब सुरक्षित और भरोसेमंद ब्रेकिंग। मान गए यार, जॉन डियर ट्रैक्टर में तो मेरी सोच से भी ज्यादा खूबियां निकली। बेटा अभी आगे आगे देख, सब पता चल जाएगा। चाचा इसका स्टीयरिंग तो एकदम मक्खन के जैसे घूमता है। मन करता है ट्रैक्टर चलाते ही जाओ चलाते ही जाओ। पर चाचा फिक्र तो डीजल खपत की है ना? भाई मुझे डीजल खपत की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे जॉन डियर का शक्तिशाली डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन डीजल की एक एक बूंद का उपयोग करके देता है उपयोगी ऊर्जा। इसीलिए तो मेरा ट्रैक्टर कम ईंधन में करता है ज़्यादा से ज़्यादा काम। तो मैं अब समझा कि तुम्हारी सुख समृद्धि का राज सर्वगुण संपन्न जॉन डियर ट्रैक्टर ही है। बोलो है ना? हाँ यार सो तो है। सच मुझे तो बहुत ही भाई है जॉन डियर ट्रैक्टर की चारों सॉलिड खूबियाँ। अरे तुम्हें किसने कहा कि जॉन डियर ट्रैक्टर में सिर्फ चार खूबियाँ हैं? अरे इसमें तो है खूबियों का भंडार। लो कर लो बात। अब और कौन सी खूबियाँ बची हैं? भाई अभी तो नमस्कार हुआ है, चमत्कार अभी बाकी है। हमारे जॉन डियर ट्रैक्टर में है ड्राई टाइप एयर फिल्टर, प्लैनेटरी गियर सिस्टम, कॉलर शिफ्ट टाइप गियर बॉक्स, रेडिएटर के साथ ओवरफ्लो रिजर्वर की सुविधा और खुली आरामदायक जगह। वाकई ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। ऐसे नहीं कहते हम अपने जॉन डियर को खूबियों का भंडार। राम राम मुखिया जी। राम राम भैया, राम राम। पाया लागू चाचा। जीते रहो बेटा जीते रहो। बड़े दिन हुए थे आपसे मिले हुए, सोचा आज मिलता ही चलो, सो चला आया आपको मिलने। ये भी तो तुम्हारा ही घर है भैया, जब जी चाहे चले आया करो। चाचा मैंने रमेश को अपने नए ट्रैक्टर के बारे में बताया, अब आप बताइए इसे अपने जॉन डियर के अनुभव। रमेश जाने के लिए उत्सुक है। भाई रमेश, जॉन डियर ट्रैक्टर अपनाने के बाद मेरे घर का नक्शा ही बदल गया। जॉन डियर ट्रैक्टर का बेहतरीन परफॉर्मेंस और उत्पादकता की बदौलत मेरे घर परिवार में सुख और समृद्धि है। चाचा जॉन डियर ट्रैक्टर की जितनी तारीफें करें उतनी कम दिखाई पड़ती हैं। पर चाचा कंपनी के बारे में भी तो कुछ बताइए ना। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी बताता हूँ जॉन डियर कंपनी के बारे में भी।
कि क्यों दुनिया भर के लोगों का अटूट विश्वास है जॉन डियर कंपनी पर। जॉन डियर कंपनी की स्थापना हुए 170 बरस हो चुके हैं। संपूर्ण विश्व में 160 से भी अधिक देशों में जॉन डियर कंपनी व्यवसायरत है और दुनिया की बेहतरीन कंपनियों में इसका नाम शामिल है। कृषि, निर्माण और वन भूमि उपकरणों की अग्रणी निर्माता कंपनी है जॉन डियर, जिसमें 50,000 से भी अधिक कुशल कर्मचारी हैं। समझ गया चाचा, पर ये ट्रैक्टर बनते कहाँ हैं? जॉन डियर ट्रैक्टर का निर्माण महाराष्ट्र स्थित पुणे की फैक्ट्री में होता है। ये फैक्ट्री 45 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली है। विश्व स्तरीय सुविधाओं के लिए तकनीकी केंद्र भी पुणे में ही है। मतलब जॉन डियर ट्रैक्टर की फैक्ट्री भारत में ही है? हाँ भाई हाँ, जॉन डियर ट्रैक्टर की फैक्ट्री भारत में ही है। एक ही स्थान पर इंजन, ट्रांसमिशन और व्हीकल असेंबली होने के कारण बेहतरीन गुणवत्ता पर पूर्णतः नियंत्रण होता है। पर चाचा, ये गांव-गांव तक पहुंचता कैसे है? अच्छा प्रश्न किया तुमने रमेश। जॉन डियर का देश भर में 300 से भी अधिक डीलर नेटवर्क है, जो अपने ग्राहकों को बिक्री पूर्व और बिक्री पश्चात कार्यक्षम सेवाएं देता है। प्रत्येक डीलरशिप में कंपनी द्वारा प्रमाणित सेल्स और सर्विस स्टाफ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जॉन डियर के असली पार्ट्स किफायती और आसानी से उपलब्ध होते हैं। पर चाचा, दूर दराज के गांव के ग्राहकों को तो बड़ी मुसीबतें होती होंगी। नहीं रमेश, दूर दराज स्थित गांव में जरूरत पड़ने पर ग्राहकों के पास जाकर ही उनके ट्रैक्टर की सर्विसिंग की जाती है। अगर तेरे मन में और कोई सवाल है तो मुखिया जी से पूछ ले। नहीं यार, मेरे मन में अब कोई शंका नहीं है। सच, बड़ी सॉलिड कंपनी है जॉन डियर। भाई मान गए, मैं तो अब पक्का इरादा कर चुका हूँ कि मैं भी जॉन डियर को ही अपना सच्चा साथी बनाऊंगा। और फिर देखना, तुम्हारी तरह मैं भी कैसे दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता हूँ। और अब मैं भी शान से कह सकता हूँ, जॉन डियर का नया 38 HP ट्रैक्टर, खुद चलाइए, फर्क जानिए। ये हुई ना बात, अब मेरी भी एक बात सुनिए। चलो जमाने के साथ, चलो जॉन डियर के साथ।